गुड़गांव में जो कॉरपोरेशन की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी उनकी पोल खुल के जो है सामने आ चुकी है। आज गुड़गांव का हर नागरिक दुखी है कॉरपोरेशन के कार्यशैली से। प्रदेश सरकार तो विफल है, सब जानते हैं। आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर एक पे पहुंच चुका है, लेकिन गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी के रूप में इसको विकसित किया गया था जब हमारी सरकार थी और विकास का एक पर्यायवाची था, आज वो गुड़गांव में सड़कों की स्थिति आप देखिए, आज ड्रेनेज की स्थिति देखिए, हर बारिश में वो गुड़गांव डूब रहा है। आज सीवरेज की स्थिति देखिए, आज हाउस टैक्स के माध्यम से कॉरपोरेशन का क्या जुल्म ढाया जा रहा है, आप उस बात को देखिए। आज हर बात को पे आईडीज के मामले में कितना हर नागरिक को दुखी होना पड़ रहा है, उस बात को आप देखिए। सफाई व्यवस्था की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है गुड़गांव में। तो ऐसे में 1.5 साल से सरकार कॉरपोरेशन के चुनाव से भाग रही है गुड़गांव के, और हम बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन का चुनाव कराया जाए। आज फिर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने ना रोजगार दिया ना विकास दिया, लेकिन लोकतांत्रिक वोट डालने का अधिकार आप नहीं छीन सकते, कम से कम वो दीजिए और गुड़गांव में तुरंत कॉरपोरेशन का इलेक्शन कराए। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और संगठन की कोई कमी नहीं है। हमारा संगठन ये धनखड़ साहब ने शुरू करी है बात, वो कह रहे 9 साल से कांग्रेस का संगठन ही नहीं है और 9 साल से उनका जबरदस्त संगठन है। अगर संगठन नहीं है तो हमारे 31 विधायक कहाँ से आ गए? अगर संगठन उनका पन्ना संगठन बहुत मजबूत था तो बादली से भी मजबूत होता। बादली में हमारा संगठन नहीं था तो कुलदीप बस जी वहां से क्यों इतने बड़े बहुमत के साथ जीतते? 75 पार के नारे में जीते, इतने बड़े बहुमत के साथ अगली बार क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगाएं। हमारा संगठन लोगों तक है, गांव गांव घर घर तक है। इनका संगठन पन्ने पे है और पन्ने पे संगठन पन्ने पे रहता है, वो कागजी संगठन साबित हो जाता है, बार बार ये दिखाई दे रहा है। अगर संगठन ही नहीं है तो आप ये जो लोग जो खड़े हैं वो कौन है? ये सभी हमारे संगठन का हिस्सा है। हाँ, पदाधिकारियों के विस्तार की जहां तक बात है, जब कांग्रेस हाईकमांड को सही समय लगेगा कौन सा पदाधिकारी, जब उनको सही समय लगा तो हुड्डा साहब पे विश्वास व्यक्त करके चौधरी उदयभान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद लगातार मैं एक और उदाहरण दूं आपको, पिछले 6 महीने में 29 पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल हुए, इनमें से बहुत से भाजपा के संगठन में थे, क्योंकि लगभग सारे प्रदेश कार्यकारिणी में थे, नहीं तो अलग अलग पदों पर थे, तो वो शामिल हो रहे। तो संगठन छोड़ के जिस पार्टी का संगठन ही नहीं है इनके अनुसार, उस पार्टी में शामिल हो रहे। तो कांग्रेस मजबूत है, जन भावना कांग्रेस के साथ है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही बात आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 9 साल के बाद भी इनको हमारी चिंता रहती ज्यादा, वो जब अपनी नहीं कुछ बताएंगे 9 साल में क्या किया। धनखड़ साहब को मेरा ये सुझाव है, वो जहां भी जाएं वो 9 साल के अपने काम बताएं, केवल हुड्डा साहब पे निशाना साधना, केवल कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधना। तो 9 साल के बाद तो कम से कम अपना ट्रैक बदले। मौजूदा सरकार है, जो मीटिंग ले रहे हैं अभी वो लोग हैं, ऐसी स्थिति 9 साल के बाद भी आप देखिए गुड़गांव में इन्होंने क्या किया 9 साल में, आप बताइए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया गुड़गांव का, और गुड़गांव का नियम फरीदाबाद से मैं आया, फरीदाबाद में तो जो है सड़कों की ऐसी स्थिति है कि शायद उत्तर प्रदेश में कहीं ना हो। पहले उत्तर प्रदेश से आगे होता था हरियाणा विकास के मामले में, आज उत्तर प्रदेश के किसी कोने में ऐसी सड़कों की दुर्दशा नहीं दिखेगी जितनी फरीदाबाद गुड़गांव में। कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर दिया है, कांग्रेस पार्टी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और नेता विपक्ष हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बाकी आगे फैसला जो होगा।